हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आइल एकेडमी में। मैं प्रकाश चावड़ा आपका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूँ। दोस्तों, आपके रेस्पॉन्स से हमें बहुत ही मोटिवेशन मिल रहा है, क्योंकि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जा रहे हैं। और एक दिन ऐसा होगा जब हम अपने मुकाम को हासिल करेंगे, अगर आप लोगों का साथ रहा तो। दोस्तों, आज हम वापस उसी श्रृंखला को आगे बढ़ा रहे हैं, आर एस मेंस 2018 एथिक्स का पोर्शन। और उसमें आज मैं लेने वाला हूँ शुभ और सद्गुण। आप सिलेबस उठा के देख सकते हैं, उसमें शुभ और सद्गुण अलग से पॉइंट मेंशन है, और इसी को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि शुभ क्या है और सद्गुण क्या है। दोस्तों, एक बात बताओ, मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? पता नहीं हो, लेकिन यहां पता है कि शुभ पहले आया या सद्गुण पहले आया। तो मैंने लिखा, देखो, सद्गुण टेंस टू, इसको इंप्लाइज बोलते हैं मैथ्स की भाषा में, सद्गुण इंप्लाइज शुभ, यानी कि शुभ अगर आपको चाहिए तो पहले आपके पास सद्गुण होने चाहिए, तभी शुभ होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो पहली चीज तो ये क्लियर है आपके, इन दोनों में ज्यादा डोमिनेंट कौन है? ज्यादा डोमिनेंट है आपका सद्गुण। तो सद्गुण पहले लाए और उसके बाद शुभ अपने आप हो जाएगा। लेकिन शुभ अगर आपको चाहिए तो उसकी पहली प्रेफरेंस है सद्गुण होने जरूरी है। ओके, अब इसको हम आगे बढ़ाते क्या, इधर ये शुभ का आप रे डायग्राम देख सकते हैं, इधर आप सद्गुण का रे डायग्राम देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, हम देखते हैं कि सद्गुण क्या है, क्योंकि सद्गुण पहले आएंगे फिर शुभ अपन ऑटोमेटिक सीख लेंगे। तो सद्गुण क्या है? शुभ कर्मों, ध्यान से, शुभ कर्मों और नैतिक मूल्यों पर आधारित गुण, जिन्हें व्यक्ति के व्यवहार में अच्छे कार्यों के रूप में जो प्रकट होते हैं, वही क्या है? सद्गुण है। वापस समझे, शुभ कर्मों और नैतिक मूल्यों, शुभ कर्मों और नैतिक मूल्यों पर आधारित गुण जो व्यक्ति के व्यवहार में अच्छे कार्यों के रूप में प्रकट होते हैं, वही क्या है? वही आपके सद्गुण है। शुभ कर्मों और नैतिक मूल्यों पर आधारित गुण जो व्यक्ति के व्यवहार में अच्छे कार्यों के रूप में प्रकट होते हैं, वही क्या है? वही है आपके सद्गुण। अब सद्गुण जब आप वर्ड लिखें तो आपको सुकरात लिखना ही लिखना है, वरना आपकी डेफिनेशन अधूरी है। सुकरात ने तो ये कहा, सुकरात कहता है कि सद्गुण और ज्ञान तो एक ही चीज है, सद्गुण और ज्ञान में रत्ती भर का भी फर्क नहीं है। क्योंकि हम ये कैसे कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति जो व्यक्ति ज्ञानी है, जो व्यक्ति ज्ञानी वो सद्गुण ही होगा, ही होगा, डेफिनेटली होगा, 100% होगा। क्योंकि फिर उसके ज्ञानी होने का मतलब ही क्या है? अगर वो ज्ञानी है तो उसमें अच्छे गुण है, और अच्छे गुण है तो उसके व्यवहार में प्रकट होंगे। तो फिर सुकरात यही तो कहता है कि जो ज्ञानी है वो सद्गुणी होगा ही होगा, 100% होगा, और वे सद्गुण अच्छे उसके अच्छे कर्मों में झलकेंगे ही झलकेंगे। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि जो ज्ञानी है वो सद्गुणी ना। तो सुकरात की डेफिनेशन में ये आप बना सकते हैं, सद्गुण बराबर ज्ञान, जो ज्ञानी है वो सद्गुणी होगा ही होगा। ओके फ्रेंड, वापस मैं रिपीट कर रहा हूं, सद्गुण क्या है? शुभ कर्मों और नैतिक मूल्यों पर आधारित गुण, शुभ कर्मों और नैतिक मूल्य, शुभ कर्म नैतिक मूल्य, इन पर आधारित कर्म या वे गुण जो व्यक्ति के व्यवहार में प्रकट होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? सद्गुण। तो ये दो टेक्निकल वर्ड याद रखने हैं, शुभ कर्म और नैतिक मूल्य, शुभ कर्म और नैतिक मूल्यों पर आधारित गुण जो व्यक्ति के व्यवहार में अच्छे कर्मों के रूप में प्रकट होते हैं, वही क्या है? सद्गुण। मेरे हिसाब से याद हो गया वो दोस्तों। और सुकरात आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि सुकरात ही तो कहता है कि सद्गुण और ज्ञान आपस में क्या होते हैं? सेम होते हैं। सुकरात वर्ड आपकी डेफिनेशन में आना चाहिए। लेट अस सी, शुभ सद्गुण आ गया आपने, अच्छे, अच्छी बात है, आप ज्ञानी बन गए, सद्गुणी बन गए। अब आपको शुभ कर्म भी हम सिखला देते हैं, शुभ कर्म कैसे करना है। तो देखो, शुभ कर्म में मैंने ये सारी चीजें लिखी है, क्या? शुभ कर्म या जो शुभ है वो नैतिक मूल्यों में सर्वोपरि है, नैतिक मूल्यों में सबसे टॉप पे कौन? शुभ। और इसमें आपको जिक्र करना है दोस्तों किसका? कांट का। कांट नहीं तो कहा है परम शुभ, कांट का परम शुभ वास्तव में क्या है? शुभ ही तो है। तो हम कह सकते हैं कि नैतिक मूल्यों में सर्वोपरि जो तत्व है वही क्या है दोस्तों? वही आपका शुभ है। और इसमें क्या होगा, ये परम और सर्वोच्च तत्व है, जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है वो इस शुभ को क्या कहती है? परम एवं सर्वोच्च तत्व। और साथ ही साथ कि
शुभ क्या होगा कि जो अन्य मूल्यों का क्या करे, औचित्य का निर्धारण करे। अन्य मूल्य कौन से? कोई दूसरा गुण हो सकता है, कोई कर्म हो सकता है, कोई व्यवहार हो सकता है। तो ऐसा ये सारी चीजों को अगर हम मर्ज कर दें तो हम क्या लिख सकते हैं? नैतिक मूल्यों में सर्वोच्च तत्व, जिसे पश्चिमी दर्शन में परम तत्व कहा जाता है, जो व्यक्ति के चरित्र के मूल्यांकन को निर्धारित करता है, साथ ही साथ व्यक्ति के अन्य मूल्यों यानी कि अन्य मूल्यों के औचित्य का निर्धारण करता है। जैसे अन्य मूल्य गुण, कर्म और व्यवहार, इन सबको मिला के आप शुभ की परिभाषा दे सकते हो। वापस, नैतिक मूल्यों में सर्वोच्च, पश्चिमी दर्शन के अनुसार परम तत्व, जो व्यक्ति के अन्य मूल्यों, व्यवहार, उसका चरित्र, उनके आचरण का क्या करता है? निर्धारण करता है, औचित्य का निर्धारण करता है। और जो व्यक्ति के चरित्र के मूल्यांकन में एक आवश्यक तत्व है, वही क्या है? शुभ है। ओके, तो ये परिभाषा आपको याद हो गई है, दोनों चीजें क्लियर है। ये चीज आपको मेंशन करनी करनी है, सद्गुण टेंस टू शुभ, और इधर सद्गुण जब लिखें तो सुकरात लिखना है, और इधर शुभ जब लिखें तो आपको कांट लिखना ही लिखना, कांट का परम शुभ। अब देखते हैं कि इनका महत्व क्या है। तो महत्व यह है कि भारतीय दर्शन में कर्म ही मोक्ष प्राप्ति का साधन है। कि आप जो ये शुभ कर्म कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो? ताकि आपको मोक्ष प्राप्ति हो सके। भारतीय दर्शन में चार्वाक एकमात्र ऐसा दर्शन है जो ये कहता है कि शुभ कर्मों से शुभ फल प्राप्त नहीं हो सकता, जबकि बाकी सारे दर्शन यही कहते हैं कि आपने कर्म अच्छे किए हैं, शुभ कर्म किए हैं, तो उसका फल भी हमेशा कैसा होगा? शुभ मिलेगा। ओके, शुभ कर्मों को करने के लिए व्यक्ति का सद्गुणी होना आवश्यक है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। भारतीय दर्शन ये भी कहता है कि शुभ व सद्गुण की सामंजस्यकारी विचारधारा, कि जो व्यक्ति धैर्यवान है, जो व्यक्ति दयावान है, जो व्यक्ति सत्यनिष्ठा का पालन करता है, वो 101% क्या होगा दोस्तों? वो सदकर्म करेगा इन गुणों के आधार पे, और सदकर्म जब वो करेगा तो उसे क्या मिल जाएगा? मोक्ष। ये इंपॉर्टेंट थिंग जो लिखनी है आपको, 101% भारतीय दर्शन शुभ और सद्गुण में, ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे, दोनों में सामंजस्य बना के चलता है। क्या कहता है भारतीय दर्शन? कि जो व्यक्ति धैर्यवान है, दो दयावान है, जिसमें सत्यनिष्ठा है, वो 100% कैसे कर्म करेगा? सदकर्म करेगा। और जब व्यक्ति सदकर्म करेगा तो उसे क्या मिल जाएगा? मोक्ष। ओके, और हम प्रशासन में क्या करा सकते हैं कि अगर हम शुभ और सद्गुण को मानक मानते हुए प्रशासन में अगर हम स्टैंडर्ड डिसाइड कर दें तो हम इससे प्रशासन में चुस्ती फुर्ती ला सकते हैं। प्रशासन की भूमिकाओं और सेवाओं में हम क्या ला सकते हैं? प्रभावी कार्यकरण ला सकते हैं, उनको हम फटाफट कार्य करने की प्रवृत्ति विकसित कर सकते हैं। दोस्तों ये थोड़ा सा छोटा टिपिकल है हालांकि, लेकिन फिर भी आप इसको ऐसे ट्रैकिंग करके आप इनको याद कर सकते। जाते जाते मुझे जरा इसकी परिभाषा बता दो फटाफट, सद्गुण की। बिल्कुल, मैं बता देता हूँ। ऐसे गुण जो शुभ कर्मों और नैतिक मूल्यों पर आधारित हो, जो सुकरात के अनुसार सद्गुणी और ज्ञान दोनों बराबर हो, साथ ही साथ व्यक्ति जिन गुणों को अपने व्यवहार में अच्छे कर्मों के रूप में प्रकट करता हो, वही क्या कहलाते हैं? सद्गुण कहलाते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे चैनल को जितना हो सके आगे प्रमोट करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।